विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी के तहत डोर टू डोर प्रचार मुहिम का फैसला लिया गया है। पंजाब कांग्रेस ने कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम का नारा देकर किसानों और खेत मजदूरों के बीच पहुंच बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। स्लोगन इस प्रोग्राम में है कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, फसल की पूरी रकम। कर्ज तले दबे किसान की मुश्किल को हल करने का वादा करने वाली पंजाब कांग्रेस ने मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणनीति का खुलासा किया। कांग्रेस अपने टिकट दावेदारों को फॉर्म उपलब्ध करवा रही है जिसमें कर्ज और कुर्की से परेशान किसानों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसका फीडबैक पार्टी को भेजा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस अपने दावेदारों को एक बस्ता भी देगी। ये फॉर्म होंगे, ये फॉर्म नु भर के ये फाड़िया जाएगा रसीद, जेडे भी घर दे विच वो बंदा जाऊगा, ही हैज टू फ्रॉम दैट हाउस होल्ड कॉल 90230 90230। एवरी कॉल विल बी मॉनिटर्ड हियर एंड ही विल हैव टू टेल देम केड़े पिंड च मैं ते केड़े घर च मैं बैठा है। वहीं सूबे की 117 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार 600 रह चुके हैं। आवेदन के दौरान रही कमियों के आधार पर कई दावेदारों का दावा खारिज कर दिया गया है, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष टिकट नहीं पाने वालों को एडजस्ट करने की बात कह चुके हैं। फ्रॉम 1600 वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर टू 600। नो आर्बिट्रीनेस एनी हैंड कोई किसी तरीके नाल कोई समबडी हैज बीन लेफ्ट आउट, दे हैव ओनली बीन लेफ्ट आउट बिकॉज किसी ने फॉर्म ठीक नहीं भरे, किसी ने कुछ भी नहीं भरया, तो वोटर लिस्ट का नाम अटैच कर दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की संख्या अब चटनी के बाद 600 रह गई है। जगतार बुलर, जी मीडिया, चंडीगढ़।